Good morning friends and welcome to study for exam. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम एंटोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं 1997 टू 2017. आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं, जरूर देख लेना बिकॉज मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ एंड लगातार आपसे क्वेश्चन करता रहता हूँ. आपको कमेंट करके आंसर देना है. मैं हर बार पूछ रहा हूँ प्लेसमेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिस तरह से समझाता जा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल यहीं के यहीं करो. टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करो, वीडियो को पॉज करो, इसे इंटरनेट पे सर्च करो एंड यहाँ पे कमेंट करो, बताओ इससे ज्यादा से ज्यादा. तो आप चलिए शुरू करते हैं एंड आप इसके अलावा बहुत सारी चीजों का हमारे साथ जुड़ के फायदा उठा सकते हो. आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज को डेडिकेटेड है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अपर एंड लोअर सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है. यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन होती है. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है, तो आपको जो भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नंबर है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आईएएस ज्ञान, एसएससी ज्ञान, ओनली एसएससी एग्जाम, ओनली यूपीपीएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, ये बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं. अब हमारे एक दूसरा चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. इन सबको करने का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप हिंदी सीख सकते हो, आप पॉलिटी सीख सकते हो, ज्योग्राफी सीख सकते हो, अब इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स को. तो सर ये डीईओ 2009 के वर्ड्स हैं आपके सामने, 151 पे हम आ चुके हैं, 150 वर्ड हो चुके हैं. बट अगर आप मेरे प्रोसेस को देखोगे तो लगभग आपके 250 से 300 वर्ड हो चुके हैं, और आप पिछले 7-8 वीडियोस देख लो तो आपके 1000 से ज्यादा वर्ड्स हो चुके हैं. मतलब 8 से 10 घंटे मैंने आपको जो सिखाया है ना वो बहुत काम आएगा. तो चलिए देखते हैं 151 पे है एफ्लुएंस. एफ्लुएंस मीनिंग क्या देता है, ये देता है समृद्धि. जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पावर हो, उसे बोलते हैं एफ्लुएंस, ठीक है ना. तो द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है ना, एक ऐसी स्टेट जिसके पास, जिसमें आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप वेल्दी हो, आपके पास पैसे हो, आपके पास पावर हो, ठीक है. तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा पावर्टी, एंड पावर्टी मीन्स होता है गरीबी. ये वर्ड रिपीट हो रहा है, पहले हो चुका है बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं ऑलरेडी इस वर्ड को काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है. चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इंक्विजिटिव मीन्स क्या होता है, इट मीन्स हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स. लाइक आई एम इंक्विजिटिव पर्सन, मतलब मेरे पास हमेशा एक इंटरेस्ट होता है जो मैं शो करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने में. मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ कुछ ना कुछ सीखने में. मुझे बायोग्राफीज पढ़ना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे अगर एक नई डिश सीख जाती है तो मैं वो भी सीख लेता हूँ. तो लाइक ये सब क्या है, ये सर इंक्विजिटिवनेस कहलाती है और इसको इंक्विजिटिव बोलते हैं. तो इंक्विजिटिव क्या हो गया सर, इसका मतलब जिज्ञासु, एक ऐसा पर्सन जो जिज्ञासा से भरा रहता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, उसे इंक्विजिटिव बोलते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनकंसर्न्ड, ठीक है, अनकंसर्न्ड, डन. जो ये सीखना नहीं चाहता भाई, जो जो कि सीखना नहीं चाहता, जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ ये रहता है कि अभी रहन दो, टाल दे, या उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, वो इतना क्यूरियस नहीं रहता, उसे बोलते हैं अनकंसर्न्ड, ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड आया ट्रिकैरस. ध्यान से देखिए ट्रिकैरस, टी आर ई ए सी एच ई आर ओ यू एस, ट्रिकैरस. ट्रिकैरस मीन्स गिल्टी ऑफ इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन. अब गिल्टी मीन्स तो पता है आपको, एक तो ग्लानी होता है, गिल्टी मीन्स अपराधी भी होता है, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे, नमक हराम. क्यों, क्योंकि इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन रखा है. बिट्रेयल मीन्स ऑफकोर्स धोखेबाजी हो गई, तो आपने धोखा दिया, तो इसको नमक हरामी बोलते हैं ट्रिकैरस को. ट्रिचेरस मत बोलना, ट्रिकैरस होता है. तो ट्रिकैरस मींस नमक हरामी हो गई या नमक हराम हो गया. सो एंटोनिम हो गया इसका फेथफुल. एंड फेथफुल कौन होता है सर, वफादार. तो लाइक डॉग्स आर फेथफुल, माय सर्वेंट इज फेथफुल टू मी, सेंटेंस आपके सामने है. तो सर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करते चलो, और कोई प्रॉब्लम है तुरंत उसे कमेंट करो, बिकॉज सीखने के लिए बैठे हैं, क्लास चल रही है. ऐसा मत सोचो मैं वीडियो देखूंगा और मुझे सब आ जाएगा, मैं ज्ञानी बाबा हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों. चलिए हम 154 पे आते हैं, और वर्ड है कंप्लाई. कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ विश और कमांड. अब देखो एक्ट लग गया है तो सीधी सी बात समझ में आती है सर, कंप्लाई एक वर्ब होगी, ठीक है, क्या होगी, वर्ब होगी. क्यों, क्योंकि एक एक्शन की बात ही हो रही है. तो इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, इसको बोलेंगे पालन करना. पालन आप अपने मम्मी पापा के आदेशों का कर सकते हो, पालन आप अपनी दिनचर्या को कर सकते हो, अपने डेली रूटीन को कर सकते हो. तो अब इसका एंटोनिम हो जाएगा चैलेंज, ठीक है. चैलेंज मींस क्या होता है, चुनौती देना. मतलब आप शायद नहीं मानते या आप उस चीज से एग्री नहीं करते, चैलेंज को आप यूज कर सकते हैं. चैलेंज एज अ वर्ब ही काम करती है,
ठीक है। अब भी मान लो कि आपने चैलेंज पार्टी को दे दिया, चैलेंज आपने अपोजिट टीम को दे दिया, इवन चैलेंज आप खुद को भी करते हो कि मुझे आज इतने टाइम पे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके चलिए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, डिमिनिश। डिमिनिश डी आई लगा है, मैं हमेशा बोलता हूँ डी ई डी आई कभी भी लग जाए तो हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। सो डिमिनिश मीन्स होता है घटना या फिर कम होना। तो मेक और बिकम लेस, तो मेक मीन्स होता है बनाना और बिकम होना, तो सीधी सी बात है बनाना या होना क्या कम, डिमिनिश मीन्स घटाना हो गया। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मीन्स क्या होता है सर, इंक्रीज मीन्स बढ़ना होता है, तो सर ये दोनों के दोनों वर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये एक तरह का एक्शन है, जब एक्शन है तो मुझे पता है कि ये वर्ब होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिमाग में रखते चलो सर, यही रूल्स बनते हैं आगे जाकर के, क्योंकि जब तक मुझे वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी मैं वोकैबुलरी को भी नहीं समझ पाऊंगा, दूसरा मैं ग्रामर के रूल्स भी नहीं समझ पाऊंगा, ये बता दो खुद को। तो जब भी वोकैबुलरी कोर्स देख रहे हो स्पेशली मेरा, तो इस लहजे से सीखो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वर्ड है रैपिड। अक्सर सुना होगा रैपिड फायर, अगर कॉफी विद करण देखा है तो वहां पे रैपिड फायर होता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हैपनिंग इन शॉर्ट टाइम और एट अ ग्रेट रेट, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे अभी सलमान खान आया या फिर हार्दिक पांड्या आया, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करे लोग, उसमें गलती भी कर देते हैं फिर हम जैसे लोग उसको बढ़ा भी देते हैं। तो रैपिड मीन्स आपका समझ आ गया तीव्र, तो ऑफकोर्स इसका स्लो हो जाएगा, तो स्लो मीन्स धीमा होता है। अब मुझे आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट करके बताइए क्या होगी, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे समझ जाओगे, पूरी प्रोसेस को दिमाग में रखना जो मैं बताता जा रहा हूँ, उन स्टेप्स के साथ ही चलना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रैपिड मीन्स क्या हो गया तेज तीव्र, स्लो मीन्स होता है धीमा। ओके चलिए आगे आते हैं, स्लो का यूज ड्राइविंग वगैरह में भी होता है और कुछ सीखने में भी होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट को, ये एक नजर में हम देखते हैं तो हमें सर्वर नजर आता है, सर ये सर्वर नहीं है, दिस इज कॉल्ड सीवियर। ओके सीवरे भी मत बोलना, सीवर भी मत बोलना, सीवियर। सीवियर मींस वेरी ग्रेट ऑफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल और इंटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गंभीर, इंटेंस भी लगा है, देन ऑफ कोर्स आप जानबूझ के आ जाती है चीज, आप जानबूझ के मतलब ये नहीं है कि गलती ही करोगे, तो इसका मतलब क्या होता है गंभीर, इट्स अ सीवियर सिचुएशन। सो इसका हो गया एंटोनिम माइल्ड। अभी माइल्ड क्या होता है सर, माइल्ड मीन्स होता है सौम्य, इसको आप मधुर भी बोल सकते हो, इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कुछ खाने पीने में कई बार होता है कि टेक्सचर बहुत हार्श होता है, अब उसके पर्सपेक्टिव पे भी आप उसको माइल्ड बोल सकते हो, खाने पीने के नजरिए में भी आप माइल्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ड्रिंक्स ले रहे हो या कॉकटेल ले रहे हो तो वहां पे भी माइल्ड यूज किया जाता है। चलिए आगे आते हैं रिवील। रिवील मीन्स होता है अपने बारे में बता देना, मतलब जाहिर कर देना। सो मेक प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो अपने बारे में क्या जो आपको पता है ना उसी के बारे में बात करूंगा, तो क्या होगा सर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसे बता देना, तो ये रिवील होता है, मतलब प्रत्यक्ष करना, नोन टू अदर, जो दूसरे को पता चल जाए, ठीक है। तो रिवील मीन्स हो गया प्रत्यक्ष करना, तो ऑफकोर्स ये वर्ब बनेगा क्योंकि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो एंटोनिम हो जाएगा हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, ठीक है, हाइड मीन्स छुपाना या छिपाना, आप जैसी भी आपकी लैंग्वेज आप उसे उसको बोल सकते हो। इसको लैंग्वेज के जैसे ट्रीट करो सर, इंग्लिश को अगर आप लैंग्वेज के जैसे ट्रीट करेंगे तो जल्दी आएगी, अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो भाई नहीं होने वाला, इसके रूल्स नहीं होते, मतलब फिक्स रूल नहीं होते, हम इसको समझ रहे हैं, हम कॉन्टेक्चुअली समझ रहे हैं, हम प्लेसमेंट के हिसाब से समझ रहे हैं, आप सोचो क्या एक फिक्स रूल हो पा रहा है, और सोचो कभी आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप ये कहोगे सर आपका सेंटेंस नाउन के 25वें रूल के हिसाब से गलत है, कभी नहीं कहोगे ना, जब नहीं कहोगे तो सीधी सी बात है कि भाई पूरा का पूरा समझो वो कैसे यूज होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। चलिए हम आगे आते हैं 159 पे आ चुके हैं, फटीक। अब फटीग के साथ ईडी लगा है तो फटीग्ड हो जाएगा, एंड फटीग्ड मींस होता है कॉज समवन टू फील एग्जॉस्ट, थका देना हुआ या थका हुआ। चलिए तो फटीग मींस क्या हो गया, थका हुआ, इसे आप एनर्जाइज्ड बोलेंगे एंटोनिम पे, सो आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम एक और बन गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, तो फटीग का आपका सिनोनिम भी बन जाएगा एग्जॉस्टेड, ठीक है, बात समझ आ गई, वर्ड क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं और हम 160 पे आ चुके हैं और इस वर्ड को समझेंगे, ऑटोनॉमी। अब सर ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है स्वायत्तता, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और इंडिपेंडेंस, मतलब आपके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है आपके पास बाहर के कंट्रोल से,
आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलता या कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे यूपी में राजा भैया तो अपने हिसाब से चलते हैं, कानून अनून सब अपनी जगह है, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम एक बात बता रहे हैं, क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। तो मतलब हमारे पास फ्रीडम है, मैं इतने पावर रखता हूँ तो मैं अपनी ऑटोनॉमी चला रहा हूँ। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा। और डिपेंडेंस मीन्स क्या होता है सर एंड मैम, डिपेंडेंस मीन्स होता है अधीनता। तो दोस्तों इन वर्ड्स को याद रखो, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, डिपेंडेंस। अच्छा मैं सीई हटा दूं तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात करी तो एक प्रोसेस की बात कर रहा होगा, एक स्टेट की बात कर रहा होगा। डन, आगे आ जाऊं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आया आपका इनिशिएटेड। अक्सर सुना होगा इनिशिएटेड, यू नीड टू टेक सम इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं शुरुआत करने की बात होती है। आप इसको अक्सर देखेंगे जब भी गवर्नमेंट किसी स्कीम को लॉन्च करती है, आरबीआई किसी पॉलिसी को लॉन्च करती है, या फिर गवर्नमेंट, या फिर जैसे मान लो किसी कंपनी ने लिया, जैसे जियो लॉन्च किया गया, तो भाई जो उसका इनिशियल लेवल था डेटा का इतना सस्ता होने का, वो जियो की वजह से आया, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इनिशिएटेड की जो शुद्ध मीनिंग होती है वो होता है आरंभ करना। अब इससे मिलते जुलते काफी सारे वर्ड होते हैं। एक तो हो गया इनिशिएटेड अपने आप में, दूसरा हो गया इनिशिएटिव, देन इनिशियल, इनिशियली, चार वर्ड तैयार हो गए। फटाक से गूगल करो, अपने कॉपी पे लिखते चलो। चलिए एंटोनिम से बात करते हैं। कंक्लूडेड, कंक्लूड मींस हो जाता है इसका निष्कर्ष निकालना। एंड कंक्लूड कहाँ पे यूज होता है, जब सर कोई स्टोरी एंड हो रही होती है ना, तब हम कंक्लूड का यूज करते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी वर्ड्स का यूज करते हैं, इन कंक्लूजन, इन समरी, एट द एंड, एट लास्ट, ऐसे वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो इनिशिएटेड के बल्दी अगर आपको कभी एट लास्ट, इन कंक्लूजन वगैरह भी मिल जाए और ऑप्शन में कंक्लूडेड ना दिया गया हो, तो आप उनमें से भी टिक कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस बोलता है। सी, एग्जामिनर को पता है आप याद कर लोगे, ठीक है, मैं भी मानता हूं आप याद कर लोगे। अब एग्जामिनर को पता है आप याद कर लोगे तो क्या जरूरी है वो वैसे क्वेश्चन के आंसर या ऑप्शन वैसे ही देगा? नहीं देगा, वो आपको घुमाएगा कि आपको कॉन्टेक्चुअल स्टडी है कि नहीं है। और मेरी बातों पे अगर भरोसा नहीं होता ना, पिछले 2 साल के, ज्यादा नहीं, 2 साल के एसएससी और बैंकिंग के पेपर उठा लो। देखो एसएससी तो 17 के बाद हुआ नहीं, बट बैंकिंग के उठा लो और आपको दिख जाएगा वहां पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्चुअल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये आपको रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। और जो नया वर्ड है ये है आपका फ्लेक्सिबल। अब वो फ्लेक्सिबल क्या होता है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अभी आईबीएलई लगा है, कई बार बता चुका हूं कि क्षमता दिखाता है। सो एबल टू बी इजिली मॉडिफाइड टू रिस्पॉन्ड टू अल्टर्ड सर्कमस्टेंसेस, मतलब लचीला, जो चीज लचीला हो, लचीली हो, उसे हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। लाइक ही इज फ्लेक्सिबल बाई नेचर, तो वह नेचर से फ्लेक्सिबल है। अब जैसे कुछ लोगों के नखरे होते हैं ना, हम जमीन में नहीं सोएंगे, हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं कि वो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। आप उनको कुछ भी खाने को दे दीजिए, आराम से खा लेंगे। सो दे आर फ्लेक्सिबल। बट अब कुछ जैसे होते हैं एंटोनिम में अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे होते हैं रिजिड, तो रिजिड पर्सनैलिटी होती है, उन्हें जो चाहिए तो वही चाहिए, वो टस से मस नहीं हो सकते। रिजिड मीन्स कठोर भी होता है। तो सर इसको हम, मैं हार्ड भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं सर्फेस की बात करूं तो रिजिड सर्फेस होता है, तो इसी तरह से हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक स्टिक भी तो हो सकती है ना। जैसे प्लास्टिक का एक अगर आप डंडा ले लो तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, अगर वो नहीं होगी तो मुड़ेगा ही नहीं, टूट जाएगा। बट अगर एक लकड़ी का डंडा होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो रिजिड होगा। बात समझ आ गई, वर्ड कहाँ कहाँ मैंने यूज करके दिखा दिए पक्का। भाई लाइक करते चलो वीडियो को और जुड़े रहो, जितना पूछता जाऊं वीडियो पॉज करो, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करो, कमेंट करके बताओ। आगे आते हैं, 163 में आ चुके हैं हम, जेन्युइन। अभी जेन्युइन क्या होता है सर, जेन्युइन होता है असली, ठीक है। सो ट्रूली वॉट समथिंग इज सेड टू बी और ऑथेंटिक, मतलब कि जो चीज जैसी है वैसे ही होना, उसे बोलते हैं जेन्यून। तो जेन्यून हो गया नेचर, आपका नेचर जेन्यून है भाई, दिखावा नहीं करते हम लोग, सीधे सीधे बात करते हैं। अगर एक टीचर है तो दिखावा नहीं कर सकता, कितने दिन दिखावा कर लेगा, एक ना एक दिन तो फंस जाएगा ना। तो जेन्यून हो गया वो, कि जो जो बोल रहा है भाई वो सच है और ऐसा ही होता है। इसका एंटोनिम आ गया, तो सर एंटोनिम हो जाएगा फेक। अब फेक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है बताता हूँ। फेक एक तो हिंदी वर्ड भी है, हिंदी में भी फेक होता है, भाई फेक ना बंद करो, ठीक है। फेक इंग्लिश में भी यूज होता है, एक तो फेक का मतलब हो गया नकली, ठीक है। अब फेक करेंसी होती है, ठीक है, फेक पीपल भी होते हैं। तो अब ऑफकोर्स मैं नेचर में भी ले जाऊं तो मैं फेक पीपल बोल सकता हूँ, ही इज अ फेक, तो भी मैं बोल सकता हूँ, ओके।
अभी मैंने आपको हिंदी भी बता दी और ये भी बता दी और करेंसी में भी बता दी, नेचर में बता दिया। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट हैं जिनको हम यूज जिनमें हम यूज कर सकते हैं। डन, आगे हैं, चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। और आपके सामने ये रहा, एक एक वर्ड को सीखते चलो सर, कंसेंसस। अब कंसेंसस क्या होता है सर? कंसेंसस होता है सहमति, समझ आ रहा है? सहमति, आप सहमति दे देते हो, गवर्नमेंट ने कंसेंसस किया तो सहमति दे दी, अ जनरल एग्रीमेंट। डन, अ जनरल एग्रीमेंट मतलब सहमत हो जाना। तो सीधी सी बात है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, क्योंकि डिस लगा है अपने आप में नेगेटिव देगा। अच्छा, कंसेंसस का सिनोनिम एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है सर? समझौता होता है। और यहाँ पे भी वही बात करी ना, जनरल एग्रीमेंट मतलब किसी ना किसी चीज पे समझौता हुआ है। तो डिस लग गया, डिस मतलब अपने आप में नेगेटिव है, ये रूट वर्ड है, डिस एज अ प्रिफिक्स काम कर रहा है और ये नेगेटिव मीनिंग भी देगा, ठीक है? जैसे डिसएडवांटेज, ऐसे काफी सारे वर्ड्स आपके सामने आते हैं, डिसरिगार्ड, डिसगार्ड आ चुके वर्ड। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, एंड आई होप आप सीखते चले जा रहे हो मेरे साथ। अब आया फ्रूटलेस, इसका मतलब ये नहीं होता फल नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? यह फलों की कमी नहीं होता इसका मतलब। फ्रूटलेस मतलब होता है कि निष्फल, मतलब कहने का ये सेब और अनार की बात नहीं कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वहां पे हम फ्रूटलेस यूज कर सकते हैं। सो फेलिंग टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, अनप्रोडक्टिव और यूजलेस। देखो, एक तो यहां पे यूज कर लिया फेलिंग टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, तो फेल हो जाना किसी अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव करने में। दूसरा, अनप्रोडक्टिव पर्सन को भी फ्रूटलेस बोलते हैं। अब जैसे अनप्रोडक्टिव कौन हो गया भाई? जो काम नहीं करता, ठीक है, या काम तो करता है बट सही से नहीं करता, या फिर यूजलेस के पर्सपेक्टिव पे भी आ जाता है कि मतलब इसे कोई चीज का यूज नहीं है, ऐसा फ्रूटलेस। एंटोनिम आ जाएगा आपका सक्सेसफुल, एंड सक्सेसफुल मतलब आपको पता ही है सफल होता है। तो सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल क्रिकेटर, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, सो ऐसे हमने इन वर्ड्स को यूज किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं वर्ड्स को बढ़ाते हुए स्टेनोग्राफर में आ चुके हैं, स्टेनोग्राफर 2011। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको सबसे जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए ना, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर लो। एसएससी से हर साल पेपर होता है, आपको करना क्या, आपको स्टेनोग्राफी सीखनी है। द डे यू लर्न स्टेनोग्राफी, बिलीव मी यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब इन दैट पर्टिकुलर ईयर। क्यों? क्योंकि भाई 10th एंड 12th ही मांगते हैं, मैथ्स आती नहीं है, इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, रीजनिंग एसएससी की आपको भी पता है एकदम हलवा रीजनिंग आती है, कोई बड़ा लेवल नहीं होता, हफ्ते भर दे दो तो काम हो जाएगा। एंड देन आता है जीएस, तो जीएस आप हमारे साथ सीख ही रहे हैं, तो आप स्टेनोग्राफी जरूर सीखिए। अब इसके हम वर्ड्स को देखते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट मत पढ़ना, डी ई नहीं लगा, डी आई लगा है, सो डिलीजेंट। एंड डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ये होता है डिलीजेंट। इनके सिनोनिम्स बता दिए, हैविंग और शोइंग केयर, हैविंग और शोइंग केयर, एंड कंसाइंटियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटी। तो मेहनती मतलब जिसका जो काम है उस काम को कर रहा है, उसकी केयर करता है, उसे हम बोलते हैं डिलीजेंट। तो अभी एंटोनिम में इसका आ जाएगा लेजी, सो लेजी पर्सन, स्टॉप शोइंग योर लेजीनेस, तो लेजी से लेजीनेस बना दिया, एक नया वर्ड आपके सामने बन चुका। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आप, तो मैं जैसे बता रहा हूँ, कभी लेजी लगा है तो NESS लग गया, किसी वर्ड के साथ LESS लग गया, कभी TION कॉमन हो रहा है, कभी NT कॉमन हो रहा है, तो नोटिस करो तो इस तरह से वर्ड लग लग के एक नया वर्ड बना देते हैं, मिलता जुलता मीनिंग दे देते हैं। ये भी एक तरीका है सर कम समय पे वोकैबुलरी सीखने का, ये सेंस डेवलप करिए, वर्ड को नोटिस करिए। देखो सीधी सी बात है, तुम एक दिन में 50 वर्ड ऐसे देखो 2 घंटे दे करके, एंड जब मल्टीपल टाइम्स करोगे तो एक महीने में तुम्हारे 1500 वर्ड होंगे। जरूरी नहीं है तुम्हें सारे याद हो, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, बट समवेयर एक कॉमन सेंस डेवलप होगा जो तुम्हें ये बताएगा भाई ये कुछ ऐसा कह रहा है क्योंकि मैंने वर्ड सीखा है। अगर आप ये पहुंच गए ना कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है, योर जॉब इज डन, बिलीव मी योर जॉब इज डन, आपको पेपर करने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है? चलिए हम आगे आते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनमिटी। एनमिटी मीन्स अ स्टेट और फीलिंग ऑफ एक्टिव अपोजिशन और हॉस्टिलिटी। अब एनिमी जैसा वर्ड दिख रहा होगा, तो एनिमी मीन्स दुश्मन होता है, एनमिटी मीन्स क्या हो जाएगा, शत्रुता, ठीक है? ऑफकोर्स मैंने स्टेट की बात करी है तो ये क्या कहलाएगा, शत्रुता कहलाएगा हिंदी में। अब स्टेट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये नाउन के जैसे काम करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका एमिएबिलिटी, ठीक है? एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी मीन्स क्या होता है सर, इसका मतलब होता है मैत्री भाव, आप इसे फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। अगर आपके दो ऑप्शन आ जाए, एमिएबिलिटी और फ्रेंडली दोनों मिल जाए, तो आप एमिएबिलिटी पे क्लिक करना, अगर एमिएबिलिटी ना मिले तो आप फ्रेंडली पे क्लिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें
आंसर भी चेक करने आने चाहिए। चलिए अब आते हैं रिटेन, इसका मतलब होता है रोकना। अक्सर बोला जाता है ना कि आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सो रिटेन मीन्स होता है रोकना, कि सपोज आपने कुछ सीखा, आपने कुछ याद किया, आप उसे रोक पा रहे हो। अगर आप उसे रोक पा रहे हो मतलब दिमाग में आप उसे रोक पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उसे रिटेन बोलते हैं कि आपको वो याद रहे। सो कंटिन्यू टू हैव समथिंग कीप पोजेशन ऑफ, ठीक है ना, किसी चीज पे पोजेशन रखना, उसे हम बोलते हैं रिटेन। रिटेन मीन्स होता है रोकना। तो ऑफकोर्स इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलीज करना। मूवी रिलीज होती है, ठीक है, एंड नॉलेज को हम रिटेन करते हैं, मूवी हम रिलीज करते हैं। तो यहाँ हो गया रिलीज, रिलीज मीन्स होता है रिहा करना। अब रिहा करना ऑफकोर्स एक तो मूवी वाला मैंने बता ही दिया, दूसरा जैसे मान लो कोई चोर डाकू है वो जेल में बंद था तो वो रिहा हुआ तो उसे भी रिलीज बोलते हैं, ठीक है। इवन किडनैपिंग हो जाती है तो वहां पे भी रिलीज को यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आपका आया ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, टेकिंग प्लेस और प्रोग्रेस और बाई डिग्रीज, ठीक है। सो टेकिंग प्लेस और प्रोग्रेसिंग स्लोली और बाई डिग्री, इसका मतलब होता है धीरे धीरे करना, धीरे धीरे अपनी जगह बना लेना, ऐसा सेंस में यूज किया जाता है। सो ग्रेजुअली आई एम लर्निंग, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसा बोलते हैं ना थिंग्स विल टेक टाइम, तो भाई टाइम लेगा, धीरे धीरे होगा, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ग्रेजुअल बोलोगे। एंटोनिम हो गया उसका रैपिड, और रैपिड मीन्स होता है तेज, तीव्र, और ये वर्ड रिपीट हो रहा है एज एन एंटोनिम, रिपीट हो रहा है, इसके पहले ये एज अ क्वेश्चन आया था और पिछले वीडियो में। चलिए हम आगे आते हैं और नेक्स्ट वर्ड को भी डिस्कस करते हैं इसी तर्ज पे, कैसे यूज किया जाएगा। सो आया थोरोली, तो अभी मैं बताता हूँ थोरोली कैसे यूज किया जाता है। सही, जैसे आप स्टडी कर रहे हो और आप आज से 4 साल 5 साल पहले क्या होता था कि अगर आपको जीएस पढ़नी है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एनी ग्रेड सी ग्रेड डी एग्जाम, सो लूसेंट इनफ होती थी। नाउअडेज आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ जाती हैं, डिफरेंट सोर्सेज पर जाना पड़ता है, करंट अफेयर देखना पड़ता है, तो बोला जाता है यू नीड टू स्टडी थोरली, आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पूर्णतया पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं थोरली। जब आप एक होलिस्टिक कवरेज ले रहे हो किसी चीज का, लेट्स आप पॉलिटी पढ़ रहे हो एंड मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 24 बलात्श्रम होता है, ठीक है, बलात्श्रम होता है तो मुझे भी पता है कि आर्टिकल 24 हो गया, बट उसमें कुछ एक्सेप्शन भी, तो भाई एज वाइज भी, तो 14 ईयर के बाद आप क्या कर सकते हो, 16 ईयर के बाद आप क्या कर सकते हो, ये चीज भी तो वहां पे आती है। ऐसा तो पूरी तरीके से नहीं है कि बस आर्टिकल 24 मतलब बलात्श्रम और बच्चे कभी काम नहीं करेंगे, उसमें भी एक है कुछ चीजें, वो कब आएगा जब आप उसकी थॉरली स्टडी करोगे, या आप थॉरो स्टडी करोगे। सो टू द फुलेस्ट एक्सटेंट और अनक्वेश्चनेबली, इसे बोलते हैं थॉरली। थॉरली मीन्स हो गया पूर्णतया। अब इसका एंटोनिम हो गया सुपरफिशियली। अब सुपरफिशियली क्या होता है समझिए, सुपरफिशियली मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जैसे हमारे यूपी में बोला जाता है भैया मोटा मोटा बता दो बाकी हमें ज्यादा जानना है नहीं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा भी बोला जाता है सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, मतलब तुमको ऊपर ऊपर की बात पता है भाई, अंदर की बात नहीं पता, बोलते नहीं भाई तुम्हें अंदर की बात नहीं पता, अंदर की बात मतलब हो गया तो वो थोरोली कर देना, मतलब तुम्हें पूरी बात नहीं पता। और जब तुम्हें ऊपर ऊपर का पता हो या तुम्हें सतही पता हो, सतही एक वर्ड बताया था सर पिछले वीडियो में, जाकर के देख लो, सतही वर्ड बताया था, ध्यान करो कर्सरी कुछ था, कर्सरी मीन सतही होता है। सो थोरोली का एक एंटोनिम कर्सरी भी बन गया, सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर या मोटे मोटे तौर पे जिसे बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ आया। आगे आ जाऊं तो हमारे 20 वर्ड्स हो चुके हैं इस वीडियो को और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे 171 पे, तो 171 में आ गया सैक्रिफाइस। अब आपसे अच्छा सैक्रिफाइस कौन समझ सकता है, पूरी पूरी जवानी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में लगी जा रही है, एग्जाम हो नहीं पा रहे। सो सैक्रिफाइस मीन्स होता है त्याग, ठीक है। सो एन एक्ट ऑफ स्लॉटरिंग एन एनिमल और पर्सन और सराउंडिंग अपोजिशन एज एन ऑफरिंग टू अ डाइटी, तो इसको ऐसे भी यूज किया जाता है। देखो एक सैक्रिफाइस तो हो गया कि जैसे मान लो कि फैमिली के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने शौक नहीं कर रहे, हमारे पापा सैक्रिफाइस करते हैं, अपने शौक पूरे नहीं करते, हमारी एजुकेशन कराई, हमें पढ़वाया। दूसरा सैक्रिफाइस हो जाता है जैसे बलि दी जाती है ना, जानवरों की बलि दी जाती है, स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग मीन्स क्या होता है, काटना, जैसे काउ स्लॉटरिंग पे बैन लगा, ठीक है, आर्टिकल 48, तो हमारा काउ स्लॉटरिंग है वहां पे। सो हमारा क्या हुआ, एक्ट ऑफ स्लॉटरिंग एन एनिमल और पर्सन और सराउंडिंग अ पर्सन एज एन ऑफरिंग टू अ डाइटी, तो भगवान को चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जानवर की बलि देते हैं, तो सैक्रिफाइस मीन्स बलि भी होता है। अब इसका एंटोनिम हो गया एक्वायर। एक्वायर एज एन वर्ब काम करता है, जैसे आई विल एक्वायर दिस प्लेस,
ठीक है। सो ऑफ कोर्स एक एक्शन परफॉर्म किया आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज को अर्जित कर लेना, एक्वायर को। तो इसी तरह से सैक्रिफाइस क्या हो गया, सर सैक्रिफाइस एज अ नाउन भी काम कर सकता है फिर, और एज अ वर्ब भी काम कर सकता है, प्लेसमेंट वेरी करता है। अगर प्लेसमेंट है तो हमें समझ में आ जाएगी कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अब तक इतना तो क्लियर हो गया होगा सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्लेसमेंट पे ज्यादा काम करती है। अब आया एग्जॉस्टिव, अभी तक हमने एग्जॉस्टेड पढ़ा है, ठीक है, अब हम एग्जॉस्टिव पे आ चुके हैं दोस्तों। तो एग्जॉस्टिव मीन्स होता है संपूर्ण, सो इंक्लूडिंग और कंसीडरिंग ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट, फुली कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, संपूर्ण मतलब आप सबके सब एस्पेक्ट कवर कर रहे हो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, सारे के सारे तथ्यों को कवर कर रहे हो, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सो बोलते हैं ना, यू नीड टू हैव एग्जॉस्टिव एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। सो एंटोनिम्स हो गया इसका इनकम्प्लीट, सो इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, कहते हैं ना जल गंगरी छलकत जाए, तो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीन्स हो गया आपका अधूरा। डन, आगे आ जाओ। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और हम नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, और आया एक्विटेट 173 है सर, एक्विटेट। आपको एक पहले एक एग्जांपल देता हूं, सोचना इसका मीनिंग क्या आ रहा है। द डीएम वॉज एक्विटेड बाय द पुलिस, द डीएम वॉज एक्विटेड बाय द पुलिस, क्या निकल रहा है मीनिंग, छुड़ाने जैसा कुछ निकल रहा है ना, बिल्कुल सही समझा आपने, एक्विटेड फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो एक तो अपराध मुक्त हो गया, और एक्विटेड मींस छुड़ाना भी होता है, दोनों बातें समझ लो, अगर आप बुक्स पढ़ोगे आपको मिलेगा। तो एक तो हो गया कि क्रिमिनल चार्ज से छूटना, वहां पे दूसरा छुड़वाना होता है, तो सर छुड़वाने के लिए मैंने आपको डीएम वाला दिया, डीएम के ऊपर कौन सा चार्जेस लगे ये तो मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है ना सर। तो इसका मतलब छुड़वाना होता है, और एक्विटेड मीन्स आपका अपराध मुक्त भी होता है, ठीक है। सो फ्री समवन फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, तो एंटोनिम हो गया आपका कॉन्विक्ट। तो अपने अकाउंट के सॉन्ग सुने होंगे, जैसे स्मैक दैट है, सो हमेशा अपने गाने में स्टार्ट करता है कॉन्विक्ट, कभी नोटिस करिएगा, बोलता है कॉन्विक्ट, एंड कॉन्विक्ट मीन्स क्या हो जाएगा फिर, सीधी सी बात है, सिद्ध अपराधी, जिसको अपराध जिसने अपराध किया है और एक जूरी ने उसको गिल्टी घोषित कर दिया है, और अब वो जेल में जाएगा, तो हो गया आपका कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्टेड कौन कहलाएगा, सिद्ध अपराधी। वर्ड क्लियर है। अच्छा, अब इसी बात पे बताओ कि जो एक्विटेड है, जितना मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्विटेड किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काम कर रहा है बताइए। आया फिक्टिशियस, सो इफ यू आर अ डांसर, तो आप एक ग्रुप को जरूर जानते होंगे, फिक्टिशियस ग्रुप, ठीक है, नाला सोपारा का है। सो फिक्टिशियस, अभी फिक्टिशियस मीन्स होता है नॉट रियल और टॉर्चर, इमेजिनरी और फैब्रिकेटेड, बेसिकली काल्पनिक होता है, उसे बोला जाता है फिक्टिशियस, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा काल्पनिक है, कहानियां चल रही हैं। अब सोचो ऐसा हो सकता है कि एक नाव में एक लड़का बैठा है और एक शेर बैठा है, और वो लोग फंसे हैं, तो क्या शेर छोड़ देगा उस आदमी को या उस लड़के को, नहीं छोड़ेगा, इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी, लाइफ ऑफ पाई की बात कर रहा हूं मैं। चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स हो गया रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से, इंडीड होता है, इंडीड मीन्स भी होता है वास्तव, वास्तव में या वास्तविक। तो चलिए सर मुझे कमेंट करके बताइए, क्या फिक्टिशियस का एंटोनिम इंडीड हो सकता है क्या, आप इंटरनेट की जरूर मदद लीजिए, लेकिन आपका यहाँ पे तुरंत तैयार होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, 175 में आ चुके हैं। सो दोस्तों आपके लिए एक नया वर्ड, स्टेशनरी। अभी स्टेशनरी को कहाँ पे सुना है भाई, हम लोग बुक्स लेने जाते हैं, हम किताबें लेने जाते हैं, हम बुक कॉपियां लेने जाते हैं, पेन पेपर लेने जाते हैं, तो एक तो होता है स्टेशनरी शॉप, ठीक है, जहाँ पे ये सब सामान मिलता है। अब दूसरा इससे उसका मीनिंग होता है स्टेशनरी का, वो होता है स्थिर, नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड, ठीक है। तो जैसे घोंगा होता है ना, घोंगा को देखा होगा भाई, वो टिका रहता है, आराम से चलता है, तो आप उसे बोल सकते हो स्टेशनरी है वो, स्थिर ही तो है, कहाँ इतना तेज चलता है। मतलब सपोज करो एक मीम वायरल हो रहा था, तो एक मगरमच्छ उसका वेट कर रहा है कि वो आएगा 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 आएगा, वो आते आते मगरमच्छ बूढ़ा हो गया, वो इतना धीमा चलता है। तो स्टेशनरी क्या हो गया, नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड, चलने में इंटेंशन नहीं रखता, तो ये हो गया स्थिर। हाँ, इसे आलसी मत समझ लेना, ठीक है। एंटोनिम आ गया इसका मूविंग, अब मूविंग मीन्स हमें पता है चलता फिरता होता है। अभी मूविंग ऑफकोर्स एज अ वर्ब भी काम करेगा। अच्छा, एक डांसिंग में भी यूज होता है मूव का, शो मी योर मूव्स, मूव्स हैं वो नाउन के जैसे काम करेंगे, बिकॉज वहां पे स्टेप्स की बात आ रही है, जो मूव यूज हुआ वो कॉन्टेक्चुअली स्टेप्स पे जा रहा है कि भाई अपने स्टेप्स दिखाओ। 176 में आ चुके हैं सर, और इसका मतलब जो हमारे वर्ड आने वाले हैं थोड़ा सा छुटते हुए ही आएंगे। सो डेविएट आ गया है, डेविएट मीन्स होता है हटना, सो डिपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड कोर्स और थॉट और प्रोसेस,
ठीक है, तो अपने जो आपका जो एक एस्टैब्लिश कोर्स है उससे हटना, या फिर जो आपके जो थॉट्स हैं उनसे पीछे हटना, आपके जो विचार हैं उनसे पीछे हटना, उसे बोलते हैं डेविएट। डेविएट मींस मैंने बता दिया हटना होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसंट्रेट, एंड कंसंट्रेट मींस होता है ध्यान देना। आई एम कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, तो सर ये वर्ब बना 100% बना, एक एक्शन है, मेंटल एक्शन है, तो ये एज एन वर्ब काम करेगा। और इसी तरह से डेविएट भी है, वो भी एज एन वर्ब काम करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच दिमाग में जरूर रखते जाओ, इसी तरह से सीखा जाता है। आई होप क्लियर होता जा रहा है भाई। वीडियो को लाइक तो करते चलो, शेयर करते चलो दोस्तों के साथ, फैला दो इसको यूट्यूब के अलावा, आप अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या जहां जो भी आप यूज करते हैं। तो अब आया सर आपका क्रेडिट। ओके, अब क्रेडिट कहाँ पे सुना है? सर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट आपका कार्ड होता है, क्रेडिट मीन्स उधारी भी होती है। कॉमर्स के स्टूडेंट इसे जरूर पढ़ सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट उन्होंने सुना ही होगा। तो क्रेडिट को यूज किया जाता है धन जमा करने में, धन जमा करना ही क्रेडिट कहलाता है, और उधारी भी होता है। सो द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स, गुड्स मीन्स वस्तुएं और सर्विस बिफोर पेमेंट। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें क्या होता है, आपको पेमेंट नहीं करना होता, आपकी एक लिमिट होती है, आप उसमें शॉपिंग कर लेते हो तो आपको चीज मिल जाती है, बाद में उसका पेमेंट करते हो। बेस्ड ऑन ट्रस्ट दैट पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर। क्रेडिट कार्ड मिला तो आपकी बैंक डिटेल तो लगी होगी, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि आपका पेमेंट फ्यूचर में हो जाएगा। फ्यूचर का मतलब जरूरी नहीं सालों का, फ्यूचर का मतलब होता है एक टाइम होता है भाई, 2 महीने 3 महीने, उतने दिन में आपका हो जाएगा। और इसका एक मीनिंग है एड एन अमाउंट ऑफ मनी टू एन अकाउंट, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेबिट। डेबिट मींस क्या होता है, निकालना, ठीक है, जमा धन निकालना, इसको हम डेबिट बोलते हैं। डेबिट खर्चे में भी जोड़ा जाता है, ठीक है, डेबिट बेसिकली खर्चे को कंसीडर किया जाता है जब हम कॉमर्स की लैंग्वेज में आते हैं। तो सर डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम है? पक्का नहीं, आगे आ जाऊं? कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत कमेंट कर दो, वी विल डिस्कस। अब आया ऑडेसिटी। ऑडेसिटी को मैंने आपको सिनोनिम में बताया था, आई होप आपने वो वाली वीडियो जरूर देखे, उनको जाके जरूर देखो, 3 वीडियो उसके लाइव हो चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 3 लाइव हो चुके हैं, एंड एंटोनिम का ये 4th वीडियो चल रहा है। सो ऑडेसिटी, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क मतलब जो बोल्ड रिस्क ले सकता है, डन, साहस ले सकता है मतलब जो लिया जाता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं ऑडेसिटी। स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ले सकता है नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूं। तो अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑडेसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साहस। ओके, साहस को और क्या क्या बोलते हैं, कुछ मीनिंग्स बताई हैं मैंने, सोचिए, साहस, फियरलेस हो गया, इंटरप्रेट हो गया, ओके, याद है मतलब आपको। चलिए एंटोनिम्स में आते हैं। एंटोनिम हो गया आपका कावर्डिस। कावर्डिस मीन्स होता है कायरता, एक होता है कावर्ड, तो कावर्डिस ऑफकोर्स एक स्टेट को दिखा रहा है आपकी, बट जब मैंने कावर्ड की बात करी तो वो नाम दिखा रहा है, किसी पर्सन की बात कर रहा होगा तो एज अ नाउन आ जाएगा। डन, एनी प्रॉब्लम, पक्का? चलो फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रोबस्ट। 179 पे आ चुके हैं। रोबस्ट, रोबस्ट स्टडी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब मजबूत। सो इसका एंटोनिम हो जाता है फीबल। अभी बात समझ है ना, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। अब मजबूत आपकी बिल्डिंग हो सकती है, मजबूत आपका डिटर्मिनेशन हो सकता है, मजबूत आपके डिसीजन हो सकते हैं, टीम भी हो सकती है। अब इसका जब एंटोनिम की बात करी तो फीबल, फीबल मींस होता है कमजोर, स्पेलिंग ध्यान दीजिए FEEBLE। इसके अलावा इसके और भी हो सकते हैं, फ्रेल हो गया FRAIL, और हो गया फ्रजाइल FRAGILE, तो ये भी इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 एंटोनिम बताया, दिमाग में रखिए, और कॉपी पेन साथ में रखते हो ना भाई, बात भाई याद तो नहीं दिलाऊंगा, आप देख रहे हो तो आप लेकर के ही चलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड में आते हैं और नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं क्या है। आया अफर्म। अफर्म मीन्स होता है स्टेट, इम्फैटिकली और पब्लिकली, ठीक है, स्टेट इम्फैटिकली और पब्लिकली, मतलब कहने का सहमत। अब सहमत कैसे, आप इसको एग्री भी बोल सकते हैं, तो अफर्म का सिनोनिम हो जाएगा एग्री। एग्री मीन्स आपको पता है सहमत होता है, ठीक है। अब सहमत आप किस में हो सकते हैं, सहमत आप एक सपोज करिए दो लोग किसी एग्रीमेंट पे आ जाए, उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी, तो एक पैसे देगा दूसरे ले लेगा, तो एग्री करेंगे और कुछ खरीद लेंगे। विचारों में भी सहमति हो सकती है, तो आप बोलते हो यस आई एग्री विद यू। अब जब मैं एंटोनिम की बात करूं तो आपको डिस लग गया, तो मुझे पता है कि ये निगेटिव मीनिंग देता है, कई बार आपको बताया मैंने। सो डिसएग्री हो गया, एंड डिसएग्री मीन्स क्या हो गया, जहां पे आप सहमत नहीं है। डन, क्लियर है?
ओके सो आई डिसएग्री विद यू, सिंपल सा सेंटेंस है और ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, कॉन्स्टेबल जीडी 2011 पे आ चुके हैं और इनके हम वर्ड्स को अब डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान वर्ड है सर ओरल। ओरल मींस बोलना, ओरल टेस्ट होता था ना बचपन में, आजकल देखते होगे आपने अगर छोटे बच्चों को खुद का नहीं याद तो उनका ओरल टेस्ट होता है जिसे विद्या मंदिर वगैरह में प्रैक्टिकल बोला जाता था। वो जाके हमसे कुछ क्वेश्चन करते थे, हम चले आते थे, प्रैक्टिकल तो कभी हमारा हुआ नहीं। तो ओरल मीन्स हो गया मौखिक, स्पोकन रादर देन रिटन, ठीक है ना, तो मतलब बोलते हैं लिखते नहीं है, या वर्बल तो बोलना हो गया। ऑफ कोर्स इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिटन। तो हमारा रिटन टेस्ट होता है, जब हम आज के डेट में गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं सारे के सारे रिटन होते हैं, ओरल पॉसिबल नहीं है तो रिटन टेस्ट होता है। तो ओरल का अपोजिट हो जाता है रिटन, रिटन मतलब लिखावट या लिखित। चलिए आप ऐसे भी यूज करते हैं, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या लिखा गया है। चलिए हम आगे आएंगे, अब इजी वर्ड है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो पता ही होगा। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, बता रहा हूं, एच ओ कभी भी दिख जाए हॉनेस्ट मत कर देना, ऑनेस्ट होता है। अब हैन को एन मत कर देना, ये भी ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश एक स्मूथ लैंग्वेज होती है, जैसे बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना वो साइलेंट होते हैं, ठीक है। अगर कभी मौका मिले तो आपको सिखाऊंगा क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, तो हम इसको बोलते हैं फ्री टू फ्री ऑफ डिसीट, ट्रूथफुल एंड सिंसियर, ठीक है। सो जो धोखा नहीं देता, सच्चा है, सिंसियर है, उसे बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम की बात करूं तो इसका मतलब होता है करप्ट, भाई जो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा करता है उसे करप्ट बोलते हैं, मतलब इसे भ्रष्ट बोलेंगे, ठीक है। सो रमेश इज अ करप्ट ऑफिसर, तो ये भी एडजेक्टिव बनेगा क्योंकि ऑफिसर इज अ नाउन एंड करप्ट उसके पहले लगा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव की जैसे काम करेगा। तो ये हो गया करप्ट मीन्स भ्रष्ट, और करप्शन हो गया भ्रष्टाचार, ठीक है। चलिए फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड एडमांट। एडमांट क्या होता है? एडमांट होता है दोस्तों अटल, जो अटल रहे, अटल किस में रहे, अपने विचारों में रहे, अपने डिसीजन में रहे, जो पाना है उसके लिए रहे, उसे बोलते हैं एडमांट। तो रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, तो मतलब लोग उसे अगर मना रहे हैं तो मना कर देता, नहीं मुझे मत बनाओ, जो मुझे करना है वो मैं पाके रहूंगा, या फिर अपना दिमाग बदलने से, अपने डिसीजन बदलने से मना कर देता, उसे बोलते हैं एडमांट। अब इसका एंटोनिम आ गया, तो एंटोनिम आ गया यील्डिंग। यील्डिंग मींस होता है मान लेने वाला, मान लेने वाला हो गया तो सर ऑफ कोर्स ये नाउन हो जाएगा, सीधी सी बात है, आईएनजी पे मत जाओ, पार्टिसिपल होता है, जीरंड होता है, तो बहुत सारी चीज होती है, जुड़े तो रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है स्टडी फॉर एग्जाम में, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आते हैं और हम वर्ड्स को देखेंगे। कंपल्सरी, इजी वर्ड्स चल रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो कंपल्सरी क्या होता है? कंपल्सरी मींस होता है अनिवार्य। आप इसका एक सिनोनिम और सुनते होंगे मैंडेटरी, एक और सुनते होंगे ऑब्लिगेटरी, ठीक है, इन सब का मतलब होता है अनिवार्य। सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अब इसके मीनिंग हो गया रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, ठीक है ना, तो भाई जो एक कानून कहता है और जो वो डिमांड करता है तो उसे हम कंपलसरी बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो एविडेंस हो सकते हैं, वो एक रिक्वायर्ड चीज हो सकती है। भाई आप सब्जी बना रहे हो, लेट्स से चिकन बना रहे हो, तो सबसे ज्यादा उसमें जरूरी क्या है भाई, क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा चिकन जरूरी है, तभी तो उसकी चिकन ग्रेवी कहलाएगी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल, ठीक है। सो कंपलसरी का ऑप्शनल हो जाएगा, वैकल्पिक भी जिसे हम बोलते हैं। अच्छा इसके एक दो और मुझे सिनोनिम बताइए, ऑप्शनल के दो सिनोनिम आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम 185 पे आ चुके हैं, टेंटेटिव। ये वर्ड आपने देखा होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जाम, जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है, जैसे LIC आओ का आया, SSC CGL आया, CHSL आया, तो उसमें टेंटेटिव डेट्स होती हैं, ठीक है। टेंटेटिव मतलब होता है अनिश्चित, मतलब वो बदल सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वो बदल सकता है, उसे हम बोलते हैं टेंटेटिव। सो नॉट सर्टेन और फिक्स, जो कि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, उसे हम टेंटेटिव बोलते हैं। मतलब अभी तो डिसाइड कर दी गई होगी, बट ये फ्यूचर में बदल सकता है, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से होता है, तो ये प्रोविजनल भी होता है। तो टेंटेटिव का सिनोनिम प्रोविजनल आप याद रखिएगा, जिसका मतलब अनिश्चित होता है। ऑफकोर्स इसका एंटोनिम क्या बनेगा सर? डेफिनेट बनेगा, हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है, तो डेफिनेट मीन्स क्या होता है सर? निश्चित होता है। हम इसको सर्टेन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सर्टेन। बात समझ आ गई? तो हमारे यहां तक वर्ड्स हो चुके हैं। अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वापस से वीडियो जाकर के शुरुआत से देख लो, एक वीडियो को दो बार देखो, सारे वर्ड्स लिखते हुए चलो, क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं,
और हम नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। और अभी तक कभी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो बताते जाना। तो कॉन्स्टेबल जीजी 2012 में आ चुके हैं एंड जो भी वर्ड्स होंगे चलिए उनको डिस्कस कर लिया जाए। सो वर्ड आया प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट रिपीट हो रहा है एज एन एंटोनिम, अभी आ चुका है, अब एज अ क्वेश्चन आ रहा है 186 पे। सो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट और फेमस। सो प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, प्रोमिनेंट हीरो, प्रोमिनेंट एक्टर, ऐसे यूज करते हैं। तो प्रोमिनेंट क्या बना, एडजेक्टिव बन गया क्योंकि सारे नाउन के पहले आ रहा है। अब आया ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर सर इस पूरी सीरीज में कम से कम पांचवीं बार आ रहा है। अब इस वर्ड को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑब्स्क्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड में आने वाला हूं और आपको नेक्स्ट वर्ड बता रहा हूं, करप्ट। करप्ट अभी अभी बताया था, वापस से देख लो। हैविंग और शोइंग अ विलिंगनेस टू एक्ट डिसऑनेस्टली इन रिटर्न फॉर मनी और पर्सनल गेन। मतलब देखो, करप्ट का मतलब सिर्फ पैसे पे मत लेना। करप्शन की आज तक डेफिनेशन नहीं आई है, आज तक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज या नेशनली रिकॉग्नाइज डेफिनेशन नहीं है। तो मनी के पर्सपेक्टिव पे भी होता है। अब सपोज कर लो कोई एक ईमानदार आदमी, वो पैसे तो नहीं लेता लेकिन क्या करता है कि दूसरे की जॉब लगवा दे, तो वो भी एक तरह का करप्शन ही तो है भाई। आप पर्सनल गेन कर रहे हो, आप अपना व्यवहार मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी तो करप्शन ही कहलाएगा ना। तो भी तो आप करप्ट ही हुए, तो ये हो गया आपका करप्ट। करप्ट का एंटोनिम हो गया ऑनेस्ट। और इन दोनों वर्ड्स को अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब ये ऑनेस्ट एंड करप्ट बन के आए थे। वर्ड रिपीट करेंगे ही, एसएससी की पहचान ही है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो ना तो इतने में आपका बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। 50-60% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो जाती है। चलिए कॉन्स्टेबल जीडी के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं और 188 में आ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव, अभी डिस्ट्रक्टिव बना डिस्ट्रक्शन से। डिस्ट्रक्शन मीन्स तोड़फोड़ होती है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। सो कॉजिंग ग्रेट एंड इरिपेरेबल डैमेज, मतलब एक ऐसा डैमेज जिसको रिपेयर ना किया जा सके, जिसको कवर अप ना किया जा सके, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। सचिन वॉज डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग द मैच, सिंपल सा एग्जाम्पल बन गया। अब यहाँ पे उसने तोड़फोड़ क्या करी, क्या किसी प्लेयर को जाकर के मारा, नहीं प्लेयर को नहीं मारा जाकर के, लेकिन उसने जिस तरह से पारी खेली वो डिस्ट्रक्टिव थी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। सो बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर आपने तो बनावट की बात करी, यहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे हो गया। देखो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ऑफकोर्स आपका बनाना होता है, निर्माणकारी होता है, लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म में भी बात करते हैं तो एक अच्छा सा फ्रेज यूज किया जा सकता है और किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज तो करो लेकिन उसे बता तो दो कि भाई कमी क्या थी, अदरवाइज वो सोचता रहेगा लो मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मेरी बुराई भी हो गई और किस लिए हुई ये मुझे पता ही नहीं चला। समझ में आई ना, तो दिमाग में रखना है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पे भी यूज हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव प्लेस, तो आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो, निर्माणकारी जगह हो गई वो। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं कॉन्स्टेबल जीजी 2013 में। अब इनके वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और आई होप आप इतने सारे के सारे वर्ड्स देख चुके हो। तो आया आपका बेन। बेन मींस होता है शार्प। सर शार्प वो जो लाइक आपको किसी ने दे दिया कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, भला हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, लुट जाओ, ऐसा कोई बोल दे, उसे बोलते हैं बेन। कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनॉयंस, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। वो भगवानी सीरियल आते थे ना तो कहते थे मैं तुम्हें शाप देता हूँ, ठीक है। तो शाप मतलब वो सांप नहीं देता, स्नेक नहीं देता, शाप मतलब आपको बद्दुआ देता है, बद्दुआ से समझ सकते हो। बेन हो गया शाप, अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस। तो इसी तरह से इसका एंटोनिम हो जाएगा बून, एंड बून मीन्स होता है वरदान। तो वरदान के लिए एक सेंटेंस बना के दिखाइए इसी बात पे, देखते हैं कौन बताता है भाई, इतना कुछ सीखा तो कमेंट तो बनता है। चलिए आगे आते हैं, अब इसी वरदान से आगे आएंगे 190 पे सीखेंगे लिबरल। लिबरल कौन होता है सर, लिबर्टी पता है ना, स्वतंत्रता। अब इसी तरह से लिबरल आ जाए, लिबरल आप जैसे कह सकते हो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ लिबरल पर्सनैलिटी। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, उनके लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना भी बनता है। सो लिबरल, अभी लिबरल क्या होता है, लिबरल मीन्स होता है उदार। जैसे उनका और जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे लॉ मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि वो लिबरल थे, उन्हें लगता था देश का भला होगा, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा इंटॉलरेंट। तो अभी 2014 से बहुत वर्ड फेमस हुआ था, कंट्री में इंटॉलरेंस आ गई है, पीपल इंटॉलरेंट हो गए। समवेयर आई बिलीव पीपल आर इंटॉलरेंट नाउ अडेज, दे डोंट हैव पेशेंस।
वो बस तुरंत बोल देते हैं, इवन सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं। मैंने बोला ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग बिलीव ही नहीं करते, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। कई बार तो ये भी देखा है कि लोग गालियां तक लिख देते हैं। यार क्यों लिखते हो, कोई मेहनत करके पढ़ा रहा है, आपको समझना चाहिए। आपको लगता है कुछ कमी है, कमेंट करके बताइए, उन पे काम कर लेगा। इवन आप उनकी भी अच्छाइयां सीखो ना। अगर वो आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस बना के कोई डाल रहा है, या आपका ऑफलाइन टीचर है कोई पढ़ा रहा है, समय और आपसे तो आगे ही होगा ना, आपका सिलेक्शन हो तभी तो आप खड़े हो ना। तो ये लिबरल इस पर्सपेक्टिव पे भी आता है। इंटॉलरेंट एंड लिबरल दोनों समझ आ गए, दोनों वर्ड क्लियर हो गए। चलिए हम आगे आते हैं और आगे कुछ वर्ड्स को समझेंगे। 191 फ्लड, फ्लूड नहीं, फ्लड। फ्लड मींस होता है बाढ़, जब बहुत ज्यादा आ जाए। जैसे मेरे शहर में 1992 में आई थी बाढ़, तो लगभग आधा शहर डूब गया। उसके बाद 2005 में आई, चेन्नई है हमारे पास, फिर हमारे केदारनाथ वाला भी है, तो ये फ्लड है। सो एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट। तो नॉर्मल लिमिट में जो बहता रहता है पानी, अब वो बहुत ऊपर जा चुका है, उसे बोलते हैं फ्लड। स्पेशली ओवर व्हाट इज नॉर्मली ड्राई लैंड, स्पेशली जो रहता है, नॉर्मली जो रहता है उससे ऊपर चला जाए, उसे बोलते हैं फ्लड। फ्लड का मतलब होता है आपका, बता दिया, बाढ़। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। सो गवर्नमेंट डू इज डूइंग नथिंग फॉर ड्रॉट, ठीक है ना। तो सूखे के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, सूखे के लिए मतलब ही नहीं, सूखा हो जाए, कॉन्टेक्स्ट उसका ये कह रहा है कि भाई सूखा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर द पीपल ऑफ ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। एक और सेंटेंस बन गया, आ गया समझ में। चलिए आगे आते हैं और हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। आपका आया ईगोइस्ट। अब इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ जाओगे। ईगो को अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई उसके अंदर ना बड़ा ईगो है, मतलब जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फिश पर्सन होता है, उसे बोला जाता है ईगो। एक्चुअली ईगो और एटीट्यूड में फर्क है। एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। हाँ, अगर वो गलत करे तो बोला जाता है तुम्हारा एटीट्यूड निगेटिव है। बट ईगोइस्ट ऐसे पर्सन को लिया जाता है जो खुद को कंसिडर करता है, हमेशा हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक IST लगा है। IST मैंने आपको बताया एक रूट वर्ड है, और जो रूट वर्ड है ये क्या काम करता है, ये रूट वर्ड काम करता है दिखाने का कि कोई एक बंदा एक एक्शन कर रहा है, उसे बोलते हैं, उसे IST लगता है। जैसे साइंस से साइंटिस्ट, डेंटल से डेंटिस्ट, प्लेगरिज्म से प्लेगरिस्ट, ठीक है ना, एक एक्शन करने वाला। ओके, ईगो मीन्स होता है आई माई सेल्फ। तो ईगोइस्ट हो गया जो खुद को सेल्फ सेंटर्ड रखे, जो कहता है भाई से मैं हूं बाकी कोई नहीं है, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। डन, आगे आते हैं। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सेल्फलेस। सेल्फलेस मीन्स होता है स्वार्थ रहित, और ईगोइस्ट मीन्स होता है अहमवादी, अहमवादी जिसको घमंड होता है, जो सिर्फ खुद के बारे में रहता है, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। तो सर थोड़ा एटीट्यूड और ईगो में फर्क समझना। आई होप वर्ड क्लियर है। तो हम 193 पे आ चुके हैं, एंड 193 पे देखते हैं जो वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, हम इस वर्ड को जरूर समझेंगे। तो आया 193 आपके सामने, डीप। अभी डीप कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखो, एक तो डीप हो जाता है कि नदी की गहराई हो गई, या फिर एक टैंकर की गहराई हो गई, वहां पे एक डीप नॉलेज के पर्सपेक्टिव पे भी आ जाता है। ही हैज डीप नॉलेज ऑफ पॉलिटी, उसके पास पॉलिटी की एक डीप नॉलेज है, गहरी नॉलेज है, गहरापन है उसके अंदर, ठीक है, उसे डेप्थ भी बोलते हैं। तो एक हो गया डीप, दोनों पर्सपेक्टिव समझ आए। एक्सटेंडिंग फॉर डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ सरफेस, तो ऊपर से लेकर नीचे तक नापने में भी यूज किया जाता है। अब आया शॉलो। शॉलो मीन्स होता है सतही। इसके लिए एक वर्ड और बताया था मैंने, कर्सरी, आपको तीसरे वीडियो में बताया था कर्सरी। तो एक शॉलो हो गया, दूसरा हो गया सतही। तो ये शॉलो और सतही एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, और डीप का सिनोनिम कर्सरी भी हो जाएगा एंड शॉलो भी हो जाएगा। तो इसको सतही भी बोलते हैं, और इसे छिछला भी बोलते हैं, लाइक छिछला पानी है, पानी ज्यादा नहीं है, घुटने तक है या बहुत नीचे तक है, तो वहां पे भी शॉलो यूज किया जाता है, शॉलो वाटर। चलिए आगे आते हैं स्लेव। एंड स्लेव मीन्स तो आपको पता ही होगा सर, दास होता है। इवन नाइट मीन्स भी दास होता है। आपने नाइट राइडर्स देखी होगी, शाहरुख खान की जो टीम है नाइट राइडर्स, तो नाइट मीन्स भी दास होता है। तो आपका हो गया स्लेव। सो अ पर्सन हु इज द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनादर एंड इज सपोज्ड टू ओबे देम, तो मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी लीगल प्रॉपर्टी बन चुकी। अब दास प्रथा नहीं है, पहले थी, और उस पे फोर्स किया जाता है कि भाई तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, उसे हम बोलते हैं क्या, स्लेव, ठीक है। अब स्लेवरी नहीं होती, पहले होती थी, अभी की कई जगह होगी, होती होगी, फिलहाल ऐसा कानून में तो अब नहीं माना जाता कि आप स्लेवरी करो। तो इसका एंटोनिम हो गया मास्टर। क्या मेंटोर हो सकता है, कमेंट करके बताइए सर, मास्टर का सिनोनिम मेंटोर हो सकता है क्या, स्लेव का एंटोनिम आपका मेंटोर हो सकता है क्या, कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपको पिछले वर्ड्स कितने याद हैं, ये सारे वर्ड्स हो चुके, पूरी सीरीज चल रही है। चलिए अब हम वीडियो को खत्म करने के
सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। तो कांस्टेबल जीडी 2015 में आ चुके हैं एंड वर्ड है आपका ब्यूटीफुल। इस वर्ड को थोड़ा समझ लेना कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सर ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली। ओके, अब ब्यूटीफुल तो मैंने बता दिया, ब्यूटीफुल मींस होता है सुंदर। सर लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल यूज होता है, नेचुरल ब्यूटी के लिए ब्यूटीफुल यूज होता है, बट कभी भी लड़कों के लिए ब्यूटीफुल मत यूज करना। लोग अक्सर कमेंट करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ब्यूटीफुल इमेज, ब्यूटीफुल लुक, वो लड़कियों के लिए अच्छा है बट वो लड़कों के लिए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक है कह सकते हैं। इसी तरह से हैंडसम लड़कियों के लिए मत यूज करना, लड़कों के लिए यूज करना। बट स्मार्ट है तो हाँ वो एक्चुअली लड़कों के लिए यूज होता है बट लड़कियों के लिए भी यूज हो जाता है। प्रेटी फेस लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए यूज नहीं होता। ये छोटे छोटे से वर्ड है, यूज करना सीखते जाओ। एंटोनिम्स की बात करें तो हो गया अगली, अगली मीन्स होता है कुरूप। ठीक है, सो अगली फेस, अगली नेचर। आगे आते हैं एडमिरेशन, सो एडमायर करना, आपको बता चुका हूं। अब इसी के सीरीज में हम आगे देख रहे हैं एडमिरेशन। एडमिरेशन मीन्स होता है प्रशंसा, रिस्पेक्ट एंड वार्म अप्रूवल। ठीक है, तो प्रशंसा करना एडमिरेशन, आई लव दिस काइंड ऑफ एडमिरेशन, तो मुझे इस तरह की प्रशंसा बहुत पसंद है। सो एंटोनिम हो गया आपका कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स होता है अपमान। ठीक है, सो हाउ डे यू टू कंटेम्प्ट। ठीक है, अपमान हो गया इसका एंटोनिम। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इजी वर्ड है, टफ नहीं है ये वर्ड, तो लगभग लगभग लोगों को आते होंगे, आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा भी होगा। आगे आते हैं नॉइजली। नॉइजली मीन्स फुल ऑफ नॉइज, जहां बहुत ज्यादा हल्ला हो, तो लाइक नॉइजी भी होता है, नॉइज भी होता है। देखो नॉइज मीन्स शोर, नॉइजी प्लेस के लिए लग जाता है, नॉइजी एंड नॉइजली। तो ऑफकोर्स ये एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसे काम कर रहा है, जैसे क्या है ही, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, जब किसी तरीके से काम किया जाता है तो फुल ऑफ नॉइज होता है और इसका मतलब होता है शोरगुल के साथ। सो दे वर कमिंग नॉइजली, बच्चे होते नहीं घर में खेलते रहते हैं, उधम मचाते रहते हैं, तो हम उन्हें बोल सकते हैं दे रोमिंग अराउंड इन द हाउस नॉइजली। एंटोनिम हो गया आपका क्वाइटली, शांति से। सो आप इसे क्वाइट में भी यूज कर सकते हो, क्वाइट, कीप क्वाइट, हमारे टीचर ने हमें बहुत बोला है स्कूल में। अब इसी तरह से हो गया आपका क्वाइटली, एंड क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप। अब 198 पे आ रहे हैं सर, वर्ड देखे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नॉलेज, वर्ड रिपीट होने शुरू हो गए। देख लो अगर आप पहले वीडियो से अभी तक देखते जा रहे होगे तो आप देखोगे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बताना जरूरी है। बट रिपीट ऐसा नहीं हो रहा है कि वैसे के वैसे रिपीट हो रहा है, कभी वो एंटोनिम बन रहा है, कभी वो सिनोनिम बन रहा है। जिस तरीके से मैं आपको एंटोनिम में भी उस वर्ड का सिनोनिम बता रहा हूं, तो उस तरह से भी हो रहा है। सो 198 सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स क्या होता है, सतही तौर पे, जैसे बोलते हैं मोटा मोटा, या बाहरी तौर पे, बाहरी सतह पे। तो एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग एट और ऑन द सर्फेस। एक चीज नोटिस करो तो हर बार इंग्लिश थोड़ी अलग लिखी है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है उसको जिस तरह से बताया गया है वो थोड़ा अलग लिखा गया है। तो आपका ये हो गया सुपरफिशियल, एंड सुपरफिशियल मीन्स मैंने बता दिया बाहरी, जिसे बोलते हैं सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन, सुपरफिशियल नॉलेज। आई हैव सुपरफिशियल इंटरेस्ट, मतलब मुझे बाहरी तौर पर इंटरेस्ट है बट बहुत ज्यादा नहीं। सो ये हो गया आपका सुपरफिशियल, एंड इसका मतलब एंटोनिम हो जाएगा इसका जेन्युइन, एंड जेन्युइन हमने पढ़ा हुआ ही एज अ क्वेश्चन आया था ऊपर ही। ठीक है ना, तो ये हो गया जेन्युइन, जो जेन्युइन मीन्स आपको क्या पता है, वास्तविक। और वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडीड भी इसका एंटोनिम हो सकता है क्या, कमेंट करके बताओ, अभी तक आया नहीं है। चलिए हम आगे आते हैं, 199 पे आ चुके हैं फ्रजाइल। फ्रजाइल अभी ऊपर बताया ना, जब फीबल एक वर्ड आया था तो मैंने आपको फ्रेल एंड फ्रजाइल भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है फ्रजाइल, एंड फ्रजाइल मीन्स होता है नाजुक। जैसे बच्चे होते हैं ना जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उन्हें हम फ्रजाइल बोलते हैं। इवन जैसे इमोशनली लोग टूट जाए तो भी हम उन्हें फ्रजाइल बोल सकते हैं। सो इजिली ब्रोकन और डैमेज, एंड ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज होता है। जैसे मान लो आपके पास एक फ्लावर पॉट है, वो टूट जाए, आसानी से टूट जाए, बस हल्का सा गिरा और टूट गया, तो उसे भी हम फ्रजाइल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये ऑफकोर्स ये एजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसका एंटोनिम बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स हमें पता है क्या होता है, बलवान, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग राइटर, लाइक इट वेरीज हाउ यू वॉन्ट टू यूज। अब ये इस वीडियो का लास्ट वर्ड है सर, 200 वर्ड्स हो चुके हैं। सोचो सिर्फ 4 घंटे में 200 वर्ड सीख लिए, और उसके अलावा अगर आप उनके एंटोनिम्स वगैरह देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो। सो जो 200 आया ये भी रिपीट कर गया फ्रजाइल, एंड फ्रजाइल का स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी रिपीट हुआ है तभी मैंने इसको रख दिया, बट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट, हम इसी सीरीज को आगे रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप लास्ट तक जुड़े देन ऑफकोर्स आप इसे शेयर भी करिए। पसंद आ रहा है, आपके कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।